पुदीने वाली चटनी है, बहुत मीठी चटनी डाली है। हाँ जी, मीठी चटनी डाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई राजा हारिस आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम आए हैं जी टेम्पल रोड पे, और अगर आप लोग आबिद मार्केट की रोड पे अंदर आए तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त आपको स्टॉल देखने को मिलेगा। इन भाई की स्पेशलिटी क्या है, ये इनकी एक तो सबसे पहले जो सफाई है बहुत ही लेवल की है, और ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें आपको फ्रूट चाट मिलेगा, दही भल्ले और गोलगप्पे वगैरह। और भी इनकी जो साफ बात जो है, आपको मैं एक स्पेशल जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है जी इनका स्टॉल। और स्टॉल में आपको सबसे पहले मैं दिखाऊं तो क्या सीन होने जा रहा है, ये भाई से भी पूछते हैं कितनी देर से काम शाम कर रहे हैं। तो आप लोग ने क्या करना है, जल्दी से जाइए भाई के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए ज़रा आपको इनका स्टॉल विज़िट करवाते हैं। अच्छा जी, तो आप ये जैसे कि देख रहे हैं ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इनका स्टॉल है, और ये भाई यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज वे में इन्होंने हर चीज़ को डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे पहले आपको ये दिखाऊं कि क्या ज़बरदस्त सीन है जी, फुल मॉल बनाया हुआ भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? 20 से 25 साल हो गए आपको। तो ये आपको इतना ज़बरदस्त, ये मैं पहली दफ़ा लाहौर के अंदर इतना ये स्टॉल देख रहा हूँ कि इतना ऑर्गेनाइज वे में और इतनी बड़ी तादाद में। आप ये देख सकते हैं जी क्या माहौल बनाया हुआ भाई ने, और ये प्लेट वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरा ये बचपन का काम है सर, शुरू से यही काम करता हूँ। क्या बात है जी, फुल माहौल बनाया हुआ भाई ने। तो ये ज़रा हमें बताते जाएँ कि ये क्या क्या चीज़ें आपने रखी हुई हैं। ये फ्रूट चाट है सर। अच्छा जी, ये आलू चने, ये दही भल्ले हैं। अच्छा, ये भल्ले हैं, ये सलाद है। क्या बात है जी, और ये जो चटनी है आपकी, ये धनिया पुदीना हरी मिर्च वाली चटनी है सर। ओए होए 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 जी, माहौल है पूरा। अच्छा जी सर, ये मसाला है। क्या बात है, जबरदस्त। क्रीम है, ये क्रीम है। हाँ जी। अच्छा, ये दही है सर। अच्छा, तो ये तो देखने में तो सेम लग रही है। सेम है, ये देखो ये बहुत गाढ़ी है। क्या बात है जी, जबरदस्त। तो ये क्रीम भी ऐड करते हैं, मतलब कि जिसने क्रीम चाट के लिए बनाया है। बहुत आला जी, बहुत आला। और ये जो आपने डिफरेंट किस्म के ये जो मेवा जात वगैरह रखे, ये क्या सीन है? ये खोपरे है, चाट के ऊपर डालते हैं। अच्छा, ये मुरब्बा है। हाँ। ये मुरब्बा लाल है, ये सफेद लोबी है। क्या बात, ये लाल लोबी है। अच्छा, ये अंगूर है, ये नारदान है, ये भी अंगूर है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो ये जो ऊपर ये इसकी का सारा सेटअप रखा हुआ आपने, फ्रूट चाट का सारा सेटअप है। बहुत आला जी, कमाल हो गया। और अब बारी है जी इनका रिव्यू करने की, और देखते हैं कि भाई ये बनाते किस तरह हैं, और हम ऑर्डर भी करते हैं और आपको ज़रा आप फुल स्वैग दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं कि ये भाई का टेस्ट कैसा है। तो ये जी आप लोगों ने लाजमी मजंग में आना है, और अब जी ऑर्डर करवाते हैं। ये अभी जी आप क्या ऐड कर रहे हैं? दही भले, ये भले। अच्छा, ये पुदीने वाली चटनी है, बहुत मीठी चटनी डालनी है। हाँ जी, हाँ जी, मीठी चाट डाल। ये मसाला तेज हल्का, बस दरमियाना। ये साइलोट, ये लाल लोबिया, ये सफ़ेद लोबिया, ये काली मिर्च, ये लो, ये ऊपर से ये पापड़ी भी डाल दी है भाई। आप खाएंगे दोबारा भी आएंगे। लाओ सरकार। अच्छा जी, अब ये फ्रूट चाट लग रही है। ये फ्रूट चाट से। अच्छा जी, क्या बात है, ये डिफरेंट किस्म के फ्रूट हैं। सादे चने हैं, मसाला है। ये मीठी चटनी है सरकार। क्या बात है, जबरदस्त। ये क्रीम है, ये लो। क्रीम है जी। ओए ओए ओए, माहौल बना दिया जी क्रीम ने। ये मुरब्बे हैं, ये मुरब्बे डाल रहे हैं भाई। ये सफेद लोबी है। ओए ओए ओए, जबरदस्त। ये लाल लोबी है, ये अंगूर है, ये नार। क्या बात है, ये डिफरेंट आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो इन्होंने भाई ने रखे हुए हैं मेवा जात वगैरह सारे, वो अंगूर और ये फल भी हैं, डिफरेंट किस्म के अनार भी है, ये सब भाई ने ऐड करके ये पूरी प्लेट बनाई है। ये रूह अफ़ज़ा। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा का भी जरा टेस्ट देखो, इधर से इसकी सील नहीं तोड़ी, ऊपर से सुई के साथ रहा। क्या बात है, कर सकते हैं इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट? जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये जी प्योर चीज भाई ने ऐड करी। ये क्या चीज डाली? ये खोपरा है सरकार। अच्छा जी, खोपरा डाला भाई। क्या बात, आप खाएंगे। ओए होए होए जी, तो अब जी बारी है रिव्यू की, तो अभी रिव्यू देते हैं हम। अच्छा जी, हमने अभी जो ऑर्डर किया है वो भाई से, हमने अभी इस वक्त दही भले हम ट्राई करने जा रहे हैं, और हमने एक क्रीमी फ्रूट चाट और दही भले का हमने किया है। तो आप ये देख सकते हैं जिसमें लोबिया वगैरह भी ऐड किया भाई ने, ऊपर पापड़ी का क्या स्वैग है,
और साथ ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉल बनाया है भाई ने, तो क्रीम भी ऐड की है इसमें और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो अभी हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं। तो ये देखिए जी, पूरी बाइट बनाने जा रहा हूँ मैं। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, फुल ज़बरदस्त माहौल के साथ जी। बहुत ज़बरदस्त है ये, इनका जो बाकी उनसे डिफरेंट टेस्ट है, क्योंकि जो इन्होंने भाई ने क्रीम का मोल डाला है ना बीच में, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ज़रा थोड़ा सा पापड़ी के साथ भी ज़रा मोल बनाते हैं। ये देखें जी, क्या बात, ऊपर पापड़ी वगैरह सारा। ज़बरदस्त। अब जो बारी है वो फ्रूट चाट की है। और ये देखें जी, फ्रूट चाट हमारे सामने है। भाई ने क्या ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें जी, अंगूर हैं, काले अंगूर हैं, ये दूसरे पिंक किस्म के अंगूर हैं, ऊपर कोकोनट भी इन्होंने डाला है, क्रीम है, फ्रूट हैं डिफरेंट किस्म के, लोबिया वगैरह है। क्या बात है कि एक फ्रूट में, एक फ्रूट चाट में बहुत ही लेवल सीन बनाया हुआ है भाई ने, और ऊपर जामी शेरी का भी तड़का लगा दिया है, ये फुल माहौल बने। तो आप ट्राई करते हैं जी, इसको ज़रा मिक्स कर ले ताकि हर चीज़ का जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त आए। हाय हाय, क्या बात, इन्होंने जो बीच में चने ऐड किए हैं और जो फ्रेश फ्रूट है उसने मज़ा ही दुबाला कर दिया। इनकी खास बात ये है कि जो मेवा जात इन्होंने भाई ने ऐड की हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। पर आपको मैंने जैसे कि दिखाया है, ये भाई का जो स्टॉल है बहुत ही मुख्तलिफ है। हालांकि नॉर्मली जो दही बल्ले वाली जो शॉप होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, मगर इन्होंने तीन चार किस्म की चीज़ें रखी हैं, साथ मसाले वगैरह, चटनी वगैरह जो इनकी है पुदीने की और रायते वगैरह की, क्या बात है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके भी रेस्टोरेंट पे कवर किया जाए, आपके भी कोई रेस्टोरेंट में आए, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में बताना है, लोकेशन सेंड करनी है, अगर कोई अच्छा टेस्ट बेच रहा है तो आप लोगों ने लाजमी बताना है, तो आपका भाई पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में। भाई को दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।